और जो वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति को पिछले एक साल से साधने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पीडीए राजनीति को अखिलेश ने और धार भी दी। दलित पिछड़ों पर लगाया गया उनका दांव कामयाब भी रहा। पहली बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर इस दौरान अखिलेश ने इतिहास रचते हुए जीत दर्ज करा दी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही शिवपाल यादव जिस प्रकार से अखिलेश के साथ खड़े रहे, उसने भी राजनीतिक मैदान में सकारात्मक संकेत दिए। बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने में वो कामयाब रहे। कन्नौज से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने और दिल्ली की राजनीति पर फोकस करने के बाद अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर खूब चर्चा रही। अब माता प्रसाद पांडे को आगे बढ़ाकर अखिलेश की नजर अपनी रणनीति को बेहतर बनाने पर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे लिए। तो आखिरकार विधानसभा में अखिलेश की कुर्सी पर बैठे थे माता प्रसाद जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया, जिन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विधानसभा में अखिलेश की कुर्सी पर बैठे थे, इस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव बैठे हुए थे। इस दौरान उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन में सहयोग देने की अपील की, लेकिन उनकी इस अपील का कुछ असर सदन में दिखाई नहीं दिया। वैसे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ा दांव खेला है। इसे ब्राह्मण वोटों की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के दौरान में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के साथ साथ कई नेता जैसे इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर और तूफानी सरोज भी शामिल थे, लेकिन अखिलेश ने ये जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे को सौंप दी। इससे शिवपाल को कुछ बुरा जरूर लगा होगा। हालांकि माता प्रसाद का कद भी यूपी की राजनीति में कम नहीं है। उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता माना जाता है। वो यूपी विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। विधानसभा सत्र में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लाइन आर्डर, हर मोर्चे पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी विधानसभा सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कल हम अनुपूरक बजट लेकर के आने वाले हैं। प्रदेश के विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो का नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। यूपी विधानसभा सत्र में जोरदार हंगामे के आसार थे और वही देखने को भी मिल रहा है। पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और समाजवादी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। इस दौरान सपा के विधायक विधानसभा में हाथ में पोस्टर भी लिए हुए थे। इस दौरान अध्यक्ष सतीश महाना सपा विधायकों को शांत रहने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन उनकी अपील की अनदेखी करते हुए विधायक हंगामा करते रहे। सपा विधायक कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, बिजली कटौती और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इस दौरान योगी सरकार एक दर्जन से ज्यादा अध्यादेश पारित करने की रणनीति बना रही है। तो पूर्वांचल के एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने इस दौरान अपनी कुर्सी देकर नेता प्रतिपक्ष यहां पर बना दिया। हालांकि उसके बाद पूरी तरह से यूपी की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अब
माता प्रसाद पांडे के कंधों पर जिम्मेदारी है जमकर योगी सरकार को घेरने की। आज यही देखने को भी मिला। आज विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हुआ जिसमें जमकर समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जो विधायक थे, उन्होंने जमकर हंगामा भी करा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता HN उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जाटव जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अखिलेश यादव का पहले पीडीएफ फॉर्मूला के तहत उन्होंने एक साल तक काम किया, लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम भी देखने को मिला, एनडीए से ज्यादा सीटें इंडी अलायंस की आई, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो, ऐसे में अब अखिलेश यादव की नजर जो है ब्राह्मण कार्ड और ब्राह्मण वोटर्स पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश के बने आदरणीय माता प्रसाद जी को बधाई देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो आगामी जो उनके नेतृत्व में जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो प्रदेश में जो मोदी ये योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं आए वो उसमें सहयोग करें और बगैर किसी विवाद के आपस में सामंजस्य से काम चले, काम बने, काम देश के प्रदेश की जनता के लिए बने, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। नहीं, ये अपील तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की थी लेकिन कुछ खास असर दिखा नहीं। क्या असर नहीं दिखा? नहीं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज हंगामा किया, पोस्टर्स लेकर आए, वेल में प्रवेश किया, तो जिस तरह से अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी उसका कुछ आज भी खास असर दिखा नहीं जाटव जी? देखो, हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी जो है उन्होंने जो काम करना वो काम कर रहे हैं, तो हम तो केवल जो है ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि दें इनको। खैर, सही मायने में जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पीडीए का जो एक फॉर्मूला बनाया था, इन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसमें जो शामिल हुए 98% जो मुस्लिम वोट, जो जिसके कारण से जो है आज ये दम भर रहे हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति करने का, इन्होंने उनकी पीठ पर चुरा घोपा है, धोखा दिया है। इन्होंने मुसलमान को नेता प्रतिपक्ष न बना करके उसकी जो उपेक्षा की है वो अपने आप में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज जो है इसके लिए इनको आड़े हाथ लेगा। साथ ही साथ इन्होंने शेड्यूल कास्ट को लेकर के भी यही नीति बनाई थी और बहुत बड़ी तादाद में शेड्यूल कास्ट ने भी इनको वोट दिया, उसमें इन्होंने नेता प्रतिपक्ष शेड्यूल कास्ट को भी नहीं बनाया। ये दोनों ही समूह जो है समाज के, इन्होंने इनको बहुतायात में वोट दिया था और इन दोनों को ही इन्होंने नकार दिया। इसका साफ अर्थ है कि ये किसी भी सूरत में जिसको जिसका साथ लेकर के चलते हैं उसके पीठ में चुरा पहुंचते हैं। ठीक है, सवाल पूछ लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता दारा सिंह जी जुड़ चुके हैं। दारा सिंह जी, सवाल यही कि जिस तरह से पीडीएफ फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़े थे और उसका वो फॉर्मूला जो है, ये पीडीएफ फॉर्मूला काफी सटीक भी साबित हुआ, लोकसभा चुनाव के परिणाम में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन सवाल यही और जाटव जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष फिर किसी पीडीएफ फॉर्मूले के तहत क्यों नहीं बनाया गया, आखिर क्यों माता प्रसाद पांडे? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले पति को नमस्कार, जो पैनल पर बैठे होंगे सभी को भी प्रणाम। आप समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अगड़ा ए में सब आते हैं, जितने भी ए में आते हैं उन सबको भी सम्मान को मिलना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के ना भेदभाव, एक के साथ अत्याचार, एक को सब कुछ मिल जाए ये नहीं करते। समाजवादी पार्टी की विचारधारा शायद जो लोग पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे तो पढ़ ले समाजवादी कानून को, इसमें समाजवादी में जयशंकर मिश्रा जी का सबसे बड़ा जिक्र किया गया है और जिसमें समाजवादी पार्टी में जिक्र हुआ है और अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का अगर केस बोल रहा है तो हम कह रहे हैं भाई पिछले 10 वर्षों से आपकी सरकार थी, आप पिछली नियोग की सरकार बैठे नहीं तो कितने बड़े बस सब के लोगों को मार दिया गया, कितना अत्याचार ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ किया गया, तो क्या उनको प्रोफिट से रखा गया? दूसरा चीज, जो आरक्षण लोग विरोधी थे समाजवादी पार्टी उनके विरोध, और जो लोग समाजवादी पार्टी को जानते हैं कि सबसे साफ समाज को आगे बढ़ा सकते हैं
आवाज को लेकर चल सकते हैं वो लोग समाजवादी पार्टी में है। और बीबीए का मतलब ये पिछड़ा दलित बल पंचायत झगड़ा मानने की इसीलिए कहते थे। नहीं जाटव जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की टेंशन इसलिए बढ़ गई है कि समाजवादी पार्टी ने किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष बना दिया और ब्राह्मण तो पहले से ही बीजेपी से नाराज है? नहीं, हमें किस चीज की टेंशन है? हमारे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पांडे जी थे, हमने लोगों का कार्य करते धोखा दे दिया, समझ गए? और आज फिर हमारी समाजवादी पार्टी वही कर रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी समाज को लेकर चलती है, लोगों को जोड़ना चाहती है, लोगों की समस्याओं का हल करती है, लोगों के लिए लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ ये कहती है वोट डालो राज करो। आप बता दीजिए वक्त आने पर उसने कितने काम में धोखा किया, इस समाज को उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो लोगों की कठपुतली बन के रह गई है। और जाटव जी, हेलो, देखिए जिस तरीके से आपने कहा माता प्रसाद जी के चलने धोने से हमें कोई फर्क पड़ता है, मैं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम इनकी होगी, क्योंकि इन्होंने जिनसे वायदा किया था वो इनको छोड़ करके वो जागेंगे, वो इनको छोड़ करके भागेंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इन्होंने धोखा दिया है मुस्लिम को, जिसने 98% वोट किया, जो शेड्यूल कास्ट है उसको जिन्होंने सर्वाधिक वोट किया, तो जाहिर सी बात है ये इन्होंने अपने लिए मुश्किल पैदा की है, धोखा दिया है लोगों को। और जिस तरीके से उनके जो अभी नेता जो है, ये प्रवक्ता जो है, वो आरक्षण के विषय पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ध्यान करा दूं कि आरक्षण की तो दूर विरोधी है ये समाजवादी पार्टी। इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में प्रणति में जो आरक्षण का विधेयक था उसको फाड़ करके फेंक दिया था, है इसके कारण से 1,28,000 रिवर्ट होना पड़ा। ठीक है जाटव जी, एक बार एच एन उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। उपाध्याय जी, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष, इससे पहले हमने देखा था अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी संभाली थी, ये लोकसभा चुनाव के बाद अब ये जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे के कंधों पर, किस तरह से इस निर्णय को देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने वो कमान, कई सारे दावेदार थे, शिवपाल सिंह यादव भी थे, राम अचल राजभर भी थे, तूफानी सरोज भी थे, लेकिन जिम्मेदारी दी गई तो माता प्रसाद पांडे को। ऐसा है रिया जी, ये शांत प्रकाश जी ये चाहते हैं कि जिस तरह से इनकी सरकार योगी जी मोदी जी अमित शाह ब्राह्मणों का लगातार शोषण कर रहे हैं, इसी तरह से हर पार्टियां ब्राह्मणों को हाशिए पर डाल रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, अगर एक ब्राह्मण माता प्रसाद पांडे जी को विपक्ष का नेता बना रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है भाई? माता प्रसाद जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ से राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी है, पहली बार वो लोकदल के टिकट पर विधायक बने थे, जिसके टिकट पर माननीय मुलायम सिंह यादव विधायक बने थे, तो इनका पुराना साथ है और खाटी समाजवादी है। जिस तरह से आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी से, जिस तरह से जनेश्वर मिश्र की विचारों को आदरणीय मुलायम सिंह यादव महत्व देते थे, उसी के पचिन्हों पर चलते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी आदरणीय माता प्रसाद पांडे जैसे पुराने समाजवादी विचारधारा के लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और निश्चित रूप में विपक्ष के नेता के रूप में वे पीछे दलित यानी पीडीए फार्मूला के साथ साथ सामान्य वर्ग के गरीबों की बात उठाए। जाटव जी, अगर अखिलेश यादव पीडीए फार्मूला के साथ ब्राह्मण कार्ड भी जोड़ रहे हैं तो बीजेपी को क्या दिक्कत? नहीं, पूरी बात तुम्हारी सुनी नहीं रिया जी। जी उपाध्याय जी, पूरा करिए। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो ऐसे राज्य है जो ब्राह्मण बाहुल्य राज्य है। उत्तराखंड में 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री बदला लेकिन 1 बार भी ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में एक ही जात विशेष के 7 साल के मुख्यमंत्री है जिनसे हमारा ब्राह्मण समाज अपने को ठगा महसूस करता है, हमेशा उत्पीड़ित रहता है, शिकायत है, जबकि ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का बढ़ चढ़कर हमेशा साथ दिया। ठीक है, अखिलेश यादव जी को कम वोट मिला लेकिन फिर भी इस बार ब्राह्मणों ने गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है, जैसा कि दारा सिंह नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर समाज का सम्मान किया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने हर समाज का सम्मान किया है। जाटव जी, जो भारतीय जनता पार्टी को नेहरू गांधी परिवार को लेकर नफरत भरी हुई है ब्राह्मण के खिलाफ, वही इसकी परिलक्षित होती है कि माता प्रसाद पांडे को अगर अखिलेश यादव जी ने महत्व दिया, इनके पेट में दर्द हो रहा है। जाटव जी जवाब दीजिए, नहीं देना चाहते बीजेपी को, क्या शोषण करना चाहते हैं
और इनका केवल ओट के रूप में उपयोग। ठीक है जाटव जी, हमारे साथ अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि माता प्रसाद जैसे अनुभवी समाजवादी के ठीक है दारा सिंह जी नेतृत्व का लाभ लेंगे। दारा सिंह जी नेता प्रतिपक्ष की रेस में काफी दावेदार थे, शिवपाल सिंह यादव भी थे और तूफानी सरोज भी थे, आखिर क्यों पीडीएफ का फॉर्मूला ना चुनते हुए, उसे आगे ना बढ़ाते हुए क्यों माता प्रसाद पांडे को? देखिए जिस प्रकार से आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बल्ला जिसके हाथ में होता है तो वो बॉलर का इंतजाम नहीं करता है। नहीं लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव का क्या? टाटा जी ने कल भी कोई एतराज नहीं किया, टाटा जी कल बैठक में भी थे, जब आप देख लीजिए जब ये चुनाव हो रहा था तब टाटा जी थे, टाटा जी को पता है कि समय पे हमें क्या करना है और टाटा जी को लेकर विपक्ष के जिस जवाब में अभी आपने सोचा था कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि टाटा जी नाराज हो रहे थे, ये सब गलत फहमी है। टाटा जी देख लीजिए और नेता प्रतिपक्ष जी साथ में बैठे हुए थे, तो समाजवादी पार्टी को न झाँक कर अपने मुख्यमंत्री को बचाए, जो मुख्यमंत्री कभी किसी भी वक्त की नौकरी जा सकती है, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने की बात दिल्ली में चल रही थी, आप सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितनी है देश में, कभी महिला विरोधी हो जाती है तो कभी समाज में इसी कट्टरपंथी लेकर आ जाती है, और बात मुझे साबित है जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हमारे अखिलेश यादव के फैसले का समर्थन करना कहीं चाचा जी की मजबूरी तो नहीं? नहीं मजबूरी आप बताइए, मजबूरी होती तो वो पार्टी में क्यों आते तुम्हारा, आप बता दीजिए, उन्होंने पार्टी को विलय कर दिया और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पद पे है, अब आप बोल लीजिए कि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पद पे होने के बाद उनका निर्णय बनता है कि वो पार्टी के हर एक नेता का सम्मान करें, आदरणीय माननीय शिवपाल जी और माननीय अखिलेश यादव जी ये नहीं भेदभाव नफरत नहीं करना चाहते। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं खुश है माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी गई है, सहयोग करेंगे। जाटव जी रेस में कई लोग थे, शिवपाल सिंह यादव भी काफी अनुभवी नेता है और वरिष्ठता के लिहाज से देखा जाए तो काफी वरिष्ठ सदस्य है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि शिवपाल सिंह यादव को इग्नोर यहां पर किया गया और माता प्रसाद पांडे के हाथों में कमान दी गई? देखिए सही मायने में ये इनका अपना अख्तियार है कि किसको क्या बनाना है, मैं जो बात है वो केवल इस आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये संविधान चित्र रख करके और पीडीए का एक बिगुल लेकर के साथ बजाते रहे पूरे लोकसभा चुनाव में कि हम इन तीनों को पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को जो है साथ लेकर के चलेंगे और उसका सम्मान करेंगे। नहीं मुस्लिम यादव और दलित उनके कोर वोटर्स हैं, अगर वो ब्राह्मणों को भी जोड़ रहे हैं तो बीजेपी को क्या दिक्कत? नहीं देखिए जिस वक्त में देने की बात है उस वक्त में तो इन्होंने कुछ दिया नहीं कि बताएं किसको दे रहे हैं, अभी इन्होंने क्या जैसे नेता प्रतिपक्ष ना तो कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष लिया है मुस्लिम को दिया और ना ही वहाँ पर जो है इन्होंने पिछड़े को दिया, ना ही ये इसमें जो है इसमें विधानसभा में जो है ये पीडीए को कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बताओ ना कि जो है ना 98% मुसलमान ने इसको वोट दिया है उसको क्या वापस नहीं करना है आपने, क्या उसका सम्मान करना है, क्या उनको वोट नहीं दिया है, जब उन्होंने वोट दिया तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारा कोई नेता हमें रिप्रेजेंट करे विधानसभा में। जिन लोगों को वोट दिया दारा सिंह जी, जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनको क्या इग्नोर किया जा रहा है? आप बुरी तरीके से किसी के डरते नहीं हो रहा, सब लोग तो स्वागत कर रहे हैं बधाई दे रहे हैं, और आपको बता दें जो हमारा वोटर है और जो वोटर भारतीय जनता पार्टी से धोखा खाकर हमारी तरफ आया है वो सबको पता है कि माननीय श्री अखिलेश यादव किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, ये तो भारतीय जनता पार्टी का है, वो जिन्होंने आपको वोट दिया आपने तो जनता पार्टी को जिसमें बौखलाहट हो रही है इसलिए हो रही है की इनका वोट जितना हो सकती हो रहा है, क्योंकि भाई तो जिन्होंने आपको वोट दिया है दारा सिंह जी आपने उनका विरोध कर दिया है, पहले तो ब्राह्मण से लड़वा देते थे अब ये इनका कोई जात नहीं होती है, इनका कोई वो नहीं होता है, न इनका कोई मजाक है, इनका काम है लगाना, इनका काम है दंगा कराना, अभी आपने पूछा था कि दंगा करा रहे थे वोट में ना काम हो गए, आज इनकी सारी रोटी होती मैं आपको बता दू मान हमारी बात क्यों कर रहे हो, बात तो आप अपनी करना छोड़ो, मैंने बताया है 3 बजे से 12 बज रहे थे 11 बज रहे और आपसे बता दू
दिल्ली से पासवर्ड चेंज हो रहा है आप कोशिश हमारी कर रहे हो। दिल्ली जो बैठा हुआ भाई है वो यूपी से लेकर इनका हर एक पासवर्ड बदलता चला जा रहा है। आपको बता दें निकलना 2 महीने बाद ये जैसे उपचुनाव हारेंगे ये मुख्यमंत्री जी को हटाकर बेटी रानी मौर्या जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये इनके जो मंत्री है आप अपनी बात करो, इस वक्त आपके घर में क्या हो रहा है? आप तो इतना ही लगा था ब्राह्मण से तो आपने पीडीए की लगा पीडीए ही तो सुना बोलता हूँ पीडीए सुनना क्या जरूरी था? आप और भी पीडी शो पर काम कर सकते थे। पता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अपना क्या है? जब पीडीए का मतलब पता है पीडीए के तहत चुनाव लड़ा गया, पिछड़ों ने भी आपको वोट दिया, अल्पसंख्यकों ने भी दिया, दलितों ने भी दिया, तो आखिर फिर जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई, जिम्मेदारी की बात आई, तो आखिर माता सरोज पांडे को जिम्मेदारी क्यों? आपने स्वागत कर रहे हैं, बधाई कर रहे हैं, यहाँ तक का भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बधाई देने आ गए। अब ये गलत इसलिए हो रही है कि इनकी जितनी भी विजय है अब उस पर सब लोग खेल रहे हैं। अब ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं तो अब जो ठंडा टवा मार रहे थे दौड़ना पड़ा तो फिर बह रहा। अरे भैया जितना तुम समाजवादी पार्टी की तरफ नजर नाम रहे हो उतना अगर जनता के विकास की तरफ डालते, नौकरी देने में करती, महिलाओं की शिक्षा देने में करते, आपके प्रधानमंत्री जी लोन दे रहे हैं शिक्षा को लेकर अगर शिक्षा को फ्री करने पर ध्यान देते इतना ज्यादा आप लोगों की नींद हराम ना होती, बीपी की गोली मत खाना पड़ता, पासवर्ड चेंज ना करना पड़ता, मगर जनता की सुने से नहीं लड़वाओगे। अब आप अरे अगर विषय पर बात कर रहे हैं ना इधर उधर की बात, आप भी जो है ना एंकर महोदय आप इनकी इधर उधर की बातों को विषय पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे आप जो है पीडीए चला सकते हैं, आपने बीपीडीए चला देते, ब्राह्मण से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक चला देते, जब इतने ही ब्राह्मणों से आपको मोहब्बत थी तो मगर आपने उस वक्त में तो ब्राह्मणों की तो और इन सब लोगों को ब्राह्मणों से दूर समझ करके इनका वोट मिल गया, क्योंकि आप हमेशा जाति की राजनीति करते हैं और जगह पर आप लोग मुसलमान को और सिखों का को ब्राह्मण से नफरत करने से कहते हैं। अरे सुन रहे हैं, अरे सुन रहे हैं आप अपनी बात को क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं? नहीं लेकिन जाटव जी एक तरफ पीडीए उनके साथ है समाजवादी पार्टी के साथ, वो हमने निर्णय वो हमने नतीजों में भी देखा, लेकिन अब सवाल यही कि क्या बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है माता प्रसाद पांडे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, हमने तो हम विकास पर काम कर रहे हैं, मगर जो ये काम नहीं, लेकिन विकास पर वोट नहीं मिले ना, फिर विकास पर जो उम्मीद आप लोगों ने सोची थी उसके अनुसार वोट नहीं मिले। ठीक है चलिए बात है जी, फाइनल मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, देखिए उन्होंने एक बार धोखा दिया नहीं, जो आपने पूछा मुझसे, जो आपने कहा कि विकास पर काम कर रहे हैं, विकास पर फिर वोट हमें दिखे नहीं उतने। एचएन उपाध्याय जी फाइनल, रिया जी हमारे सात प्रकाश जी भाई साहब कह रहे थे कि मुसलमान ने वोट दिया, दलित ने वोट दिया, तो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का व्यावहारिक लाभ हो, हम जो है आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आप चाहिए सोच रहे हैं एक अगर विपक्ष के नेता को ब्राह्मण को बना दिया गया तो इनकी जमीन खिसक गई है। ये जो ब्राह्मण के हितों के ठेकेदार बनते हैं और न ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने देंगे, न विपक्ष का नेता बनाएंगे, न अध्यक्ष बनाएंगे, ये जो बात करते हैं आदरणीय मोदी जी की बिरादरी कितनी है, एक परसेंट नहीं है, 11 साल प्रधानमंत्री बने हुए क्या बने हुए हैं, उनको एक चौथाई का ब्राह्मण ने दिया बिल्कुल ठीक है। वक्त की कमी है उपाध्याय जी, जाटव जी और दारा सिंह जी आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने बड़ा खेल खेलते हुए बड़े ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब अखिलेश यादव के बाद पूरी जिम्मेदारी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे के कंधों पर है, यानी अखिलेश यादव का यह दाव कितना तुरुपका इक्का साबित होता है यह तो वक्त बताएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।